हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एडीएस किचन। तो आज दूसरा दिन था और हम अजमेर शरीफ के लिए निकल गए थे अहमदाबाद से, और हमने लंच भी कर लिया था ट्रेन से ही लेकर। उतना टेस्टी नहीं होता है लेकिन फिर भी मजबूरी में खाना पड़ता है। और बीच में हमने एक स्टेशन पे रबड़ी मलाई ट्राई की, बहुत ही टेस्टी था। और 8 आवर्स में हम अजमेर पहुंच गए थे। आप लोग देख सकते हैं अजमेर का स्टेशन। करो ख्वाजा मैं तुम्हारा भिखारी हूँ, या ख्वाजा हसन तुम्हारी चौखट का सवाली हूँ, चौखट का सवाली हूँ। मुस्तफा के प्यारे लाडले ख्वाजा हमें दर पे बुला ले, मुस्तफा के प्यारे लाडले थी। हमें पहुंचते पहुंचते तो हम रात में एक बार ज़ियारत के लिए दरगाह शरीफ पहुंच गए थे। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि दिवाली का वेकेशन चल रहा था इसीलिए इतनी ज़्यादा पब्लिक थी। वरना अगर आप नॉर्मल मौसम में जाएंगे तो इतनी भीड़ नहीं होती है। ये आप लोग देख सकते हैं अजमेर की डेग, जिसमें अभी शाम को पैसे गिने जाते हैं और सारा सामान अलग किया जाता है। उसके बाद सुबह इसमें खिचड़ा बनाया जाता है जो सारे पब्लिक को बांटा जाता है। आप लोग देख सकते हैं मेन हौज है जहाँ पे वजू किया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं मस्जिद, बहुत ही प्यारा मंजर लग रहा था यहाँ से। और यहाँ से तारागढ़ भी आप लोग देख सकते हैं। अकबरी मस्जिद देख सकते हैं, मेन दरवाज़े के बिल्कुल राइट साइड में है। और यहाँ पे अनाज की गोनी रखी गई है सुबह खिचड़ा बनाने के लिए। और ये मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तो रसूल।
और ये आप लोग देख सकते हैं दरगाह के सामने रोज कव्वाली होती है सुबह को और शाम में भी। और आज दूसरे दिन की सुबह हो गई थी तो हम दरगाह शरीफ पे आ गए थे ज़ियारत के लिए, और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। खिचड़ा बांटा जा रहा था अभी। और उसके बाद यहाँ पे फेमस आलम बिरयानी मिल रही थी, वो भी हमने ट्राई की, बहुत ही टेस्टी और यमी थी। और ये देख सकते हैं तंदूरी रोटी तंदूर में बन रही थी। और यहाँ पे एक भैया बहुत ही यमी आमलेट बना रहे थे, आप लोग देख सकते हैं सुबह में नाश्ते में आमलेट बहुत ही फेमस है वहाँ पर। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी मिल रही थी, हमने ट्राई की लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छी नहीं थी। और ये जो पोहा था वो बहुत ही टेस्टी था, आप लोग अगर लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो पोहा या आमलेट ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दरगाह शरीफ की ज़ियारत के बाद हम जा रहे थे दार्जिलिंग की झोपड़ी देखने, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो मार्केट है उसमें बहुत ही एंटीक सा कुछ सामान मिल रहा था, आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ सारी दीवारों पर बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन से सारी आयतें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा मंजर लग रहा था यहाँ पर सुबह सुबह। शायफ अली ख्वाजा।
जानस नैन के गुलशन हो, जहरा की कली ख्वाजा बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी, ख्वाजा बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी, ख्वाजा बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी, ख्वाजा भर लेते हैं उस दर पर झोले को सभी ख्वाजा, महरूम नहीं जाता कोई भी कभी ख्वाजा, भर लेते हैं उस दर पर झोले को सभी ख्वाजा, महरूम नहीं जाता कोई भी कभी ख्वाजा, ले लूंगा मैं मुंह मांगा चौखट पे अभी ख्वाजा, उठेगा तो उठेगा सर मेरा जबी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, उठेगा तो उठेगा सर मेरा जबी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, लाल नबी ख्वाजा औलाद अली ख्वाजा, हसनैन के गुलशन हो जहरा की गली ख्वाजा, हाथों में तुम्हारे वो। और ये देखिए अजमेर की फ़ेमस मुरादाबादी बिरयानी, बहुत ही यम्मी होती है ये बिरयानी, बिल्कुल कम मसालों में बनी होती है और लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आपको वज़न के हिसाब से मिलता है, प्लेट के हिसाब से नहीं, वज़न के हिसाब से आपको मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही फेमस और बहुत ही यम्मी सा नींबू सोडा मिल रहा था जो हमने ट्राई किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। दुनिया के धनी ख्वाजा, उकबा के धनी ख्वाजा, क्या शान तुम्हारी है, गनी ख्वाजा, दुनिया के धनी ख्वाजा, उकबा के धनी। उसके बाद शाम हो गई थी तो हम आना सागर देखने के लिए चले गए थे, और देख सकते हैं आप लोग आना सागर के लिए सवारी घोड़े पे भी आती है और आप लोग ऑटो भी मिलती है जिसमें भी आ सकते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा मंजर है आना सागर का। क्या बात है जो अब तक मेरी न बनी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, क्या बात है जो अब तक मेरी न बनी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, हाल नबी ख्वाजा औलाद अली ख्वाजा, हसनैन के गुलशन हो जहरा की गली ख्वाजा, हाथों में तुम्हारे वो मनशाए वली ख्वाजा, हसनैन के गुलशन हो जहरा की गली ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, किस शान से महफिल की रौनक हो सजी ख्वाजा, नाशाद की जाती है दिन रात गमी ख्वाजा, किस शान से महफिल की रौनक हो सजी ख्वाजा, नाशाद की जाती है दिन रात गमी ख्वाजा, देखो जरा सैयद की आंखों की नमी ख्वाजा, किस चीज की आखिर है इस दर पे कमी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, किस चीज की आखिर है इस दर पे कमी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर। ये सनसेट का वक्त था, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर, और हमने भी बोट ट्राई की थी, बहुत ही मज़ा आया था। औलाद अली ख्वाजा, हसनैन के गुलशन हो जहरा की गली ख्वाजा, हाथों में तुम्हारे वो मनशाए वली ख्वाजा, हसनैन के गुलशन हो जहरा की गली ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा, बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा।
खाना सागर से रिटर्न में हमने ये यहाँ की कचौरी ट्राई की, जो जोधा शॉप का नाम जोधा है और बहुत ही फेमस यहाँ की कचौरी है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर अजमेर जाते हैं तो। बिल्कुल आनंद सागर के सामने वाले लाइन में आपको ये शॉप मिल जाएगी। और अजमेर की पानी पूरी भी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी थी। और यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी, वो भी हमने ट्राई की। तो ये था हमारा ट्रैवल डायरी का सेकेंड वीडियो अजमेर शरीफ का। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ATS किचन। मिलते हैं आपसे अगले।